फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 30 जून 2022 और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट को इसमें पर हम विजिट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, डी ट्रिपल एस बी के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आज एक अपडेट जारी की गई है जो कि ई रोजियर कॉलिंग के रिगार्डिंग है। आइए अपडेट को हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस नंबर है 1464 और ये कल शाम को 29 जून 2022 यहाँ पर डेट मेंशन है, बट ये अपडेट लेट नाइट जारी की गई है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को हम इसे अभी प्रोवाइड करा रहे हैं और कल सुबह से शाम तक जो भी अपडेट डीट प्लस बी के द्वारा जारी की गई, चाहे रिजल्ट के रिगार्डिंग है, चाहे ई डोजियर के रिगार्डिंग है या फिर न्यू वैकेंसीज के रिगार्डिंग, वो सारी अपडेट हमने साथ ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दी थी। अगर आप लोगों ने वीडियोस को चेक नहीं किया है तो कल हमने 2-3 वीडियो चैनल पर अपलोड की है, उन्हें आप वॉच कर सकते हैं। और आइए फ्रेंड्स, आज की अपडेट देख लेते हैं। हम देखें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये आपका डिपार्टमेंट है। पोस्ट आपकी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग और पोस्ट कोड है 123/14। तो इसके रिगार्डिंग देखें, ई डोजियर को अपलोड करने के लिए बोला गया है और ये जो नोटिस है, आज का नोटिस 1464, ये कंटिन्यूएशन है रिजल्ट नोटिस नंबर का 819 का, जो कि आपका 18 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया था। रिजल्ट नोटिस नंबर है फिर आगे 1205 जो कि 20 अक्टूबर 2020 को, और फिर रिजल्ट नोटिस नंबर है 1348 जो कि 9 सितंबर 2021 को, एंड नेक्स्ट है 1383 नोटिस नंबर है 13 अक्टूबर 2021 को ये जारी किया गया था। तो इसी सीरीज का ये कंटिन्यूएशन नोटिस जारी किया गया है 1464। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ई डोजियर पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है। टोटल 1 कैंडिडेट हैं, ये ओबीसी कैटेगरी के हैं, इनका रोल नंबर यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है ओबीसी कैटेगरी, और इनके डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसी पाई गई है, मतलब कुछ कमी पाई गई है, तो इनके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिए इनको फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ये लास्ट चांस फ्रेंड्स आपको दिया जा रहा है डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। ओबीसी कैटेगरी का ये कैंडिडेट है, रोल नंबर यहाँ पर मेंशन है। रिमार्क्स में आप देख सकते हैं वो डॉक्यूमेंट आपका बताया गया है जो कि आपका रिक्वायर्ड है, जिसकी डेफिशिएंसी पाई गई है, और डॉक्यूमेंट क्या है, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट, यानी कि ओबीसी डेली का सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ ओबीसी जीओआई इश्यूड बिफोर कट ऑफ डेट। तो फ्रेंड्स, आपका ये देखिए क्लियर मेंशन किया गया है, बिफोर कट ऑफ डेट आपको ओबीसी सर्टिफिकेट जो डेली का है वो आपको ई डोजियर पर अपलोड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बता दिया गया है ओबीसी जीओआई की अपेक्षा आपको बिफोर कट ऑफ डेट ओबीसी डेली सर्टिफिकेट यहाँ ई डोजियर पर अपलोड करना है, और अगर आप गिवन टाइम पीरियड में ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए ई डोजियर पर तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दी जाएगी। ई डोजियर का लिंक आपका एक्टिव रहेगा 30 जून 2022, यानी आज से लेकर के आज आपका लिंक एक्टिव हो चुका है, और 4 जुलाई 2022 तक का आपको चांस दिया जा रहा है, फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, फाइनल रिकॉल नोटिस है फ्रेंड्स ये आपका। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, इसका बेनिफिट लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज और अभी के लिए बस इतना ही। यही एक लेटेस्ट अपडेट जारी की गई थी डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं।